जब किसी भिखारी की 1 करोड़ लॉटरी निकल आए। ये ले सरदार साहब, 1 पर्ची उठाएं, देखते हैं इस बार 1 करोड़ का मालिक कौन बनता है। हाँ रुक जाओ, खाना तो खा लूं। शबीरा उर्फ बबलू, कौन है ये खुशकिस्मत इंसान? जाओ इसे मेरे पास ले आओ। सरदार साहब वो तो भिखारी है, अगर उसको बता दे उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है वो तो खुशी से मर जाएगा। मर जाएगा क्या मतलब? सरदार साहब वो तो सारा दिन भीख मांगता रहता है, उसने इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे। जब उसे पता चलेगा कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है उसे तो खुशी से अटैक आ जाएगा। अच्छा तो ये बात है, अब ये पैसे उसको कैसे देंगे? सरदार साहब इसका हल भी है पड़ा मेरे पास, अगर आपकी इजाज़त हो तो बताऊँ। हाँ हाँ, वाह कितने समझदार हो तुम, इसलिए तो मैंने तुम्हें वजीर बनाया। जाओ उसको जल्दी से ले आओ। सरदार साहब एक समोसा उठा लूं? ये भी कोई पूछने की बात है? सबर करो, पकोड़े की तरह तेरा मुंह है और समोसा खाता है। अल्लाह तेरा भला करे बेटा। हाँ? शबीरा चल, तुझे सरदार साहब बुला रहे हैं। खैर तो है, सरदार साहब को मेरी याद कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, सरदार साहब का हुक्म है, चलो। अच्छा ठीक है। सरदार साहब, शबीरा और बबलू हाजिर है। बोले सरदार साहब, मुझ जैसे फकीर को कैसे याद किया? आ जाओ बैठो, बात करते हैं। सरदार साहब मैं आपकी जगह पे कैसे बैठ सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ ना, चलो बैठो। खैर तो है, मुझे इतना इज्जत क्यों दे रहे हो? क्योंकि आज के बाद तुम फकीर नहीं रहने वाले, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सरदार साहब मैं कुछ समझा नहीं, आपकी बातें मेरे गांज के ऊपर से जा रही हैं। अच्छा छोड़ो इस बात को, ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी। फर्ज करें अगर तुम्हारा लॉटरी में से 10,000 निकला है, तुम उन पैसों का क्या करोगे? क्या 10,000? अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं सोने का कटोरा लूंगा, फिर उससे भीख मांगूंगा। अच्छी सोच है तुम्हारी। अच्छा अगर तुम्हारा 1 लाख निकला है तो? हाँ 1 लाख, तो फिर मैं उन पैसे से मोटरसाइकिल लेकर दूर दूर तक भीख मांगने जाऊंगा। वाह सदके जाऊं तुझ पे, क्या सोच है तेरी, ऐसे ना? बात तो सही है। अच्छा अगर तुम्हारा 5 लाख निकला है तो? 5 लाख, तो फिर मैं उन पैसे से कारोबार करूंगा, एक एक बंदे को 50,000 दे के भीख मंगवाऊंगा। तुम्हारी सोच भी मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अच्छा अगर तुम्हारा 10 लाख निकल आए तो? 10 लाख? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ उन पैसों से मैं यूरोप का वीजा लूंगा, वहाँ जाकर भीख मांगूंगा। लाना तो तेरी सोच पे, मेरा तो सर चकरा रहा है। चल तू पूछ इससे। बेकारी ये बताओ, अगर तुम्हारा 50 लाख निकल आया तो तुम उससे क्या करोगे? 50 लाख? सरदार साहब क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, इतनी देर में तो मैं 300 की दिहाड़ी लगा चुका होता। तुमसे जो पूछा जा रहा है वही बताओ, क्या करोगे 50 लाख का? हाँ हाँ बताता हूँ, मैं उन पैसों से फॉर्च्यूनर गाड़ी लूंगा, फिर उसमें अपनी बीवी को घुमाऊंगा। अच्छा तो तुम्हारा 1 करोड़ निकल आया तो तुम क्या करोगे? तो फिर उसमें से आधे पैसे मैं आपको दे दूंगा। क्यों? Oh no! अबे ये तो फकीर की जगह पे वजीर मर गया।